सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है संडे वाला डे, हम लोग निकल रहे हैं घर से जाने के लिए बुआ के घर, मिट्टी के बुआ के घर, बाबा के घर, सभी मतलब सब एक ही घर, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। और मॉर्निंग में ही गए थे और वेदर अभी तो ठंडा ठंडा गर्म, ठंडा गर्म ऐसे ही लगा हुआ है। सुबह शाम तो इतना ठंड हो रहा है, हवा चल रही है ना, हवा की वजह से, और धूप में इतनी जोर की धूप हो रही थी। मॉर्निंग में ही निकल गए थे। संडे का हमेशा ज़्यादातर मेरा यही होता है कि हम लोगों को जाना ही होता है कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं क्या, बुआ के घर तो इनके कन्फर्म होता है कि वहाँ जाना ही है हम लोगों को। सो अभी बनाई थी ये जैनी की एक छोटी सी स्लोमो, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो प्यार से देखती हुई जा रही थी। ये स्लोमो है ना, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा से चल रहा है। इतने प्यार से उसको जब लेकर जाओ कार से ना, और उसको जब विंडो से बाहर निकाल कर देखती है फेस, तो उसको इतनी मज़ा आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि इनकी जो आइज़ का एक्सप्रेशन है वो ना, वो मैं बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ जैनी का। जैनी का क्या, हर डॉगी का मैं समझ लेती हूँ। ये समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो मुंह से अपने बोल नहीं पाते हैं, बट इनकी जो भी लैंग्वेज है सब आइस से, इनके ये सारी चीज़ें अपनी आइस से एक्सप्लेन करते हैं। जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, सब इनकी आइस सब कुछ बता देती हैं। और सच में इतना अच्छा लगता है जैनी जब इस तरह से देखती है ना, बाहर देखती हूँ उसको, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि मुझे समझ में आता है, इसीलिए जब भी मैं लेकर जाती हूँ तो मैं इसको विंडो ओपन कर देती हूँ ताकि ये बाहर देखे, उसको भी अच्छा लगे। क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है जब बाहर देखते हैं और एकदम से ये बाहर की हवा मिलती है, मज़ा ही अलग होता है। तो इसी तरह से उनको भी मज़ा आती है। कि ये लोग क्या होते हैं, जो बाहर के डॉगी होते हैं तो बाहर रहते ही हैं, बट इनको क्या होता है, ये लोग घर के अंदर रहते हैं, हम लोगों के साथ में रहते हैं, हम लोग तो घूमने चले जाते हैं तो, बट फिर भी घर पे रहते हैं। तो इसको मैं जब भी लेके जाती हूँ तो हमेशा बाहर इस तरह से दिखाती हूँ, उसको सच में बहुत मज़ा आती है। देन घर पहुँच गए थे, उसके बाद में दोपहर में आ गए थे ये बताशे वाले भैया। और क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि काफ़ी दिनों से खाया भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं, क्योंकि टेस्टी तो लगते ही हैं बताशे। किस देख कर किसके मुँह में पानी नहीं आता है, सभी के आता है। और आजकल तो ये बताशे इस तरह के मिलने लग गए हैं जहाँ पर ये चार पांच तरह का पानी होता है, कुछ तो स्पाइसी भी होता है, तो वही खा रहे थे। और साथ में मिट्टी भी लगी हुई है, मिट्टी भी खा रही है। उसको क्या है कि उसको स्पाइसी बताशे ही खाने होते हैं, उसको मीठे नहीं खाने होते। मीठी चटनी वो डलवाती नहीं है साथ में, जैसे हम लोग खा रहे होते हैं सेम वैसे ही खाती है। उसको भी स्पाइसी पानी के साथ में ही खाना होता है। तो ये बताशे चलिए हम लोगों ने खा लिए हैं। सो ये आया है अभी पंचामृत पंजीरी प्रसाद है कथा का, तो ये मैं जा रही हूँ पीने। सो ये मैं जा रही हूँ पीने क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मैं पी के ख़त्म भी कर चुकी हूँ, दिखाऊँ? ये देखो इसमें ख़त्म भी हो, ये वाला रखा है। और मिट्टी देखो कहाँ रखकर खा रही है, यहाँ उनको मैंने दिया था तो ये वहाँ बैठ के खा रही है, नहीं कि ऊपर बैठ के खा। ये देखो शैतानी कर रही है, और मुँह दिखाओ, मुँह दिखाओ बेटा, अपना फेस दिखाओ, क्योंकि इतना सारा मुँह लगा रखा है। और आसान हो रही है कि मुझे भी दो, इनको मैंने दिया है बट ये खा नहीं रही है। खाना होता है बट अभी खाई, ये सोच रही है कि हम लोग बाहर जा रहे इसलिए नहीं खा रही है। तो ये तो खा रही है अपने, इनको मैंने दे दिया है, डांस कर करके खाना खाया जा रहा है। देखो वहाँ रखे खा रही है, बोला है मैंने ऊपर खाओ नहीं, बट मैं जा रही हूँ इसको खाने। टेस्टी टेस्टी, पीछे लग जाएगी, पीछे लग जाएगी जैनी को। चलो जैनी को आज मैंने इसलिए बांध रखा है क्योंकि यहाँ पे आए हुए हैं गेस्ट बहुत सारे, ऊपर नीचे जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उनको भौंक रही है, इसलिए मैंने इसको बांध रखा है ना जैनी ना। मैं आप आ रहा सुबह अच्छा, चलो अभी ऊपर खोल देते हैं आपको, ठीक है? अभी बैठते हैं आपको खोलते हैं, ओके बाबू, ओके बच्चा, ओके ओके एवरीवन, हाय। आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं अभी घूमी करने, अकेले जा रहे हैं हम लोग घूमी करने, अकेले नहीं जा रहे हैं, इनके साथ ही जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा वहाँ तक, और वहाँ से जाएंगे हम लोग घूमी करने, क्योंकि मिट्टी के अभी कपड़े चेंज करने, कपड़े नहीं पहने सही, मतलब घर पे पहने थे इसलिए। चलो अब यहाँ से हम लोग लेंगे ई रिक्शा। सो यहाँ से घर जाने के बाद में क्लोथ चेंज कराए हैं, देन उसके बाद में हम लोगों ने निकल लिया है यहाँ पे घूमी करने, क्योंकि ये सडन प्लान बन गया था हम लोगों का चलने, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में तो गए थे बुआ के घर मिट्टी के, और उसके बाद में ये सडन प्लान इनका बन गया कि चलो चलते हैं कहीं घूमने। तो हम लोगों ने कहा ठीक है चलते हैं। तो ये हम लोग आ गए थे गंगा बैराज, और मिट्टी की फ्रेंड भी आई है जो हमेशा जाती है साथ में, क्योंकि इन दोनों का क्या होता है कि साथ में ही जाने में इन लोगों को बहुत मज़ा आती है।
और मिट्टी को तो भी बहुत आती है, जब भी जाना होता है कहती शायद वो जा रही होगी, शायद मैं पूछती है मुझसे, तो मैं कहती हूँ हाँ अगर जा रही होती हूँ, बोलती हूँ हाँ, तो ये हैप्पी हो जाती है। देखो जैसे ही मिलते हैं दोनों साथ में, दोनों ने हाथ पकड़ लेना अच्छे से और साथ में ही चलना है, दोनों को साथ में ही चलना है, साथ में ही आना है, साथ में ही सारे काम करने हैं और साथ में ही बैठना भी है दोनों को एक साथ में। सो ये गंगा बैराज का बैक साइड है जहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि मैं तो कभी नहीं आई हूँ इस साइड, हमेशा ऊपर से ही आते हैं, ऊपर से चले जाते हैं, बट इस टाइम हम लोग यहाँ नीचे आए हैं, ये बैक साइड है। सो अभी हम लोग आ गए हैं ये गंगा बैराज, यहाँ से पीछे ही साइड आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से फर्स्ट टाइम आए गंगा बैराज, इतनी बार आए बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए। बट देखते हैं यहाँ पे कुछ है तो नहीं, बस मैगी वैगी खा लेंगे वहाँ जाकर, अभी तो यहाँ पे रहें, देखते क्या करते हैं आगे, कुछ चॉइस वगैरह है और ऐसी बोटिंग हो रही है और क्या हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सब कुछ हो रहा है। तो आज आए कितने सारे लोग आए, चलो आगे डाडा लोग, सो यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ऐसे ही जो भी आ रहे थे बस ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे। और बच्चों को क्या होता है कि मिट्टी में खेलने में बहुत मज़ा आती है, और मिट्टी को भी मेरे बहुत खेलने को मज़ा आती है, और इनकी फ्रेंड को भी, दोनों, और बच्चों को आती ही है आई थिंक, क्योंकि इन लोगों को क्या होता है जैसे ही मिट्टी के पास पहुँचेंगे बस वैसे ही उनका खेलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट टाइम आए थे हम लोग यहाँ पर, और सच में यहाँ पर मिट्टी थी, ये तो डॉगी था यहाँ पर सो रहा था साइड में, जो कि बहुत ही नींद, ज़्यादा नींद में था, बहुत ही ज़्यादा नींद में था, क्योंकि मैंने सीटी बजाई अच्छे से बुलाया बट इसने कुछ भी अपनी टेल नहीं हिलाई, तो इसको नींद आ रही थी आई थिंक बहुत ज़्यादा वाली, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और बहुत प्यारा सा था, बहुत छोटा सा था, बट तो क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी कार, हम लोग अपनी कार से आए नहीं थे और मेरे पास कुछ था भी नहीं वहाँ पे, कुछ मिल भी नहीं रहा था इनके लायक, मुझे कुछ देना था कुछ भी नहीं मिला था, बहुत बेचारे छोटे से थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे, बहुत ही सीधे साधे लग रहे थे, क्योंकि मैंने इनको टच किया, इनकी मम्मा भी बहुत अच्छी थी कि मैंने टच किया तो वो बोली नहीं, क्योंकि क्या होता है कि किसी के बेबी को जल्दी अगर टच करते हैं ना, तो वो जो उनकी जो मम्मा होती है वो तुरंत आती है देखने, वो नहीं आई थी देखने। तो ये देखो यहाँ का कुछ नज़ारा कुछ इस तरह का है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, कि विंटर्स में अगर आप जाओ तो धूप में इस तरह से अच्छा लगता है यहाँ पर, और मिट्टी लोग तो खेल रहे थे यहाँ पर। इन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है पानी में, इतनी मज़ा आती है, जितनी भी धूल मिट्टी होती है सारी मिट्टी में खेलने में तो उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। तो यहाँ पे तो अभी हाथ पकड़े हुए हैं, बट अभी थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ पर कब खेलेंगे कहाँ खेलेंगे पता ही नहीं चलेगा, कि ये लोग हम लोग के पास में ना ही फ़ोटो शूट कराई है ना ही वीडियो बनवाई है। यहाँ पे बैठे थे, मैं तो कुछ बता रही थी बट इतना शोर हो रहा था कि कुछ, मैंने कहा चलो इससे अच्छा वॉइस ओवर कर देती हूँ, मैं बता रही हूँ कि यहाँ से हम लोग टाइम पास करके आ गए, जो वहाँ पे टाइम पास किया था, लेकिन यहाँ पे ये लोग खेलने में लगे, तो ये जो इन लोगों को दिख रहा है फ्लावर दिख रहा है, इसमें लोग रियल का पानी डाल रहे थे, कह रहे थे कि मम्मा ये मेरा है ये मेरा है, फाइट कर रहे थे दोनों, खेलते हैं और इस तरह से बोल रहे थे कि वो कह रही थी मेरा है, ये बोल रहे थे मेरा, तो इनके लिए एक और ला के रख दिया गया था, तो दोनों खेल रहे थे और दोनों लोग रियल का पानी डाल रहे थे, कह रहे थे ये बढ़ जाएगा। सो बस संडे का तो कुछ इस तरह से इंजॉय हुआ है। हमें और उनकी परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका। सो ये मैगी वाले भैया मैगी बना रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़ी सी इनकी रेसिपी क्यों ना कैप्चर की जाए, तो यहाँ पे मैं गई तो मैंने देखा यहाँ पे ये मैगी बना चुके थे, मैगी बना कह चुके थे, मैंने देख लिया था कैसे बनी है, पानी में ही सभी कुछ इन्होंने ऐड कर दिया था और सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें कि यहाँ पे बॉयल हो रही थी बस, पकने ही वाली थी, और सभी के लिए बन रही थी, बच्चों के लिए भी बाद में हम लोगों ने बाद में ऑर्डर कराया, पहले ही इन्होंने बोल दिया था कि स्पाइसी नहीं बनाना, उन्होंने बनाया नहीं, बट कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं ना जो स्पाइसी होते ही हैं, तो बस ये कि उनके लिए बाद में फिर से ऑर्डर कराया हम लोगों ने, कि उनके लिए बाद में फिर से दूसरी आई है मैगी, जो बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल थी, सिर्फ पानी के साथ में बॉयल करके दे दी गई थी, तो उन्होंने वही खाई, वैसे मिट्टी खा ले रही थी, बट फिर भी होता है ना जब एक बच्चा खा रहा होता है तो देख के वैसे ही सेम एज इट इज़ करना होता है उनको भी, तो यही हाल होता है बच्चों का, जब एक बच्चा जो कर रहा होता है वही उनको भी करना होता है,
सो यहाँ पे ये मैगी आ चुकी है, हम लोग खा लेते हैं, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। गंगा बैराज की मैगी, जो भी कानपुर में रहता होगा आई थिंक सभी ने खा लिया होगा। जिसने नहीं खाया तो जल्दी से विजिट करिए, खाइए, क्योंकि यहाँ पर मैगी ही मैगी मिलती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलती है। पता नहीं ये लोग ऐसा क्या बनाते हैं, मतलब मुझे भी कुछ नहीं समझ में आता, बट टेस्टी बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है यार। सो बस ये छोटू सा व्लॉग था मेरा आज का, संडे का, ऐसे ही इंजॉय किया, बस हो गया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ में, व्लॉग के साथ में। सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून। आगे ही मेरे बहुत से अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को तुरंत मिल जाएँ, जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुरंत मिले आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।